हेलो गाइस, अभी 2:46 है और मैं अभी जा रहा हूँ तेलीपु आपको दिखाने कि वहाँ अभी क्या हाल चाल है। बिकॉज अभी आलोथान में लाइट नहीं है, तो हम देखेंगे कि क्या आलो में तेल आ गया है और चावल का क्या दाम है, उसके बारे में आज मुआयना करेंगे। ये है गुमी नगर का पेट्रोल पंप जहाँ पे अभी तेल आ चुका है और अब देख सकते हैं गाड़ी की तेल अभी भी उपलब्ध है। अभी देख सकता है अपनी गाड़ी, देख सकते हैं गाइस। अभी 3 बजने वाला है और आलो में बहुत ही ज़ोरदार बारिश हो रहा है, जिससे कि हम जो पैदल चलता है उनके लिए भी बहुत ही तकलीफ है। बिकॉज हर तरफ पानी ही पानी है, आप देख सकते हैं जहाँ तहाँ पानी का पानी ही पानी नजर आएगा। हेलो एवरीवन, सो अभी भी मैंने पूछताछ किया चावल का दुकान को, तो उन्होंने बताया कि आज सुबह माल गाड़ी आया था और ये भी बताया कि चावल जो 25 किलो का है वो है अब 750 रुपये। ज़रा सोचिए, इतना दिनों के बाद चावल गाड़ी आया है और इसका प्राइस जो है भर के अभी 750 हो चुका है। तो अभी चावल तो है अभी स्टोर में, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो होल सेल मार्केट जहाँ पे प्याज और सब्जी पाए जाते हैं, तो ये है आलू यहाँ पे। ये भैया बता सकते प्याज का दाम कैसे है अभी? प्याज का दाम आपका किलो, आलू का 40। अच्छा, सुबह माल गाड़ी आया था क्या? सुबह आया था ना, सब सामान का आया था। अभी किस चीज़ का दाम बढ़ चुका है बता सकता है क्या? अभी दाम इसका बढ़ा, ये भी कल या परसों को कम हो जाएगा, कल तक कम हो जाने का चांस। ये आलू प्याज का ना? हाँ, ठीक है, ठीक है। ये है आलू प्याज और इसका दाम अभी 40 और 60 हैं। यहाँ पे माल गाड़ी आ चुका है, माल गाड़ी तो देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। कितना दिन का था है? जैसे रास्ता तो ब्लॉक था होगा, आप ड्राइवर है ना इनका, तो ये आप बता सकते हैं कितना दिन का आ रहा है इधर? ये हम कल लौट के था, ऐसा कैसे कल लौट क्या था, कल निकले इसलिए बता से चला है ना। तो अभी आप बता सकते हैं रास्ता का हालत कैसा है? अभी तो ठीक हो गया, अभी फिर बारिश आने से भी खराब हो गया। अच्छा, अभी वहाँ पर कटिंग वटिंग चल रही है क्या? चल रहा है, कटिंग चल रही है ना। तो अभी सिर्फ यही गाड़ी आई कि और कोई गाड़ी आया? और और अभी अभी सामान सेम है ना, तो अभी यहाँ पे ये सब सामान नहीं आ रहा और खाने पीने सामान आ रहा है ना, अभी मतलब कमी तो होगा ही नहीं ना। अच्छा, अभी आ रहा है ना। अच्छा, ये बारिश का वैसे वो रास्ता ब्लॉक होने का वैसे अच्छा, तो इसका दाम कुछ बता सकते हैं क्या आप लोग? आप नहीं बता सकते ना, आप सिर्फ अच्छा 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 जी, थैंक यू भैया। तो मैं वॉल मार्केट पे आया हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा सब्जी है कि नहीं और यहाँ पे उनका प्रॉब्लम क्या क्या है, मैं उनको दिखाऊँगा। तो लेट्स चेक इट आउट। अभी हम जा रहे हैं सब्जी मार्केट के अंदर, देखते हैं वो क्या क्या फ्रॉम होता है। तो सब्जी भी है अवेलेबल, देख सकते हैं। तो हम पूछना चाहेंगे इनसे कि ये लोग इतनी मेहनत से आते हैं टाउनों पे, तो क्या इन्हें परेशानी होती है या नहीं। सो विल सी। ओके, सो हमारे पास थका सब्जी है, चाकू, तो आप देख सकते हैं पाइन एप्पल ही है। ओके, ये कुछ पाइन एप्पल्स। आना आप लोग बस्ती से आते तो ना, दोनों तो क्या आदू को यही अभी
गाड़ी भी मिल रही क्या? बारह गाड़ी माँ उन्होंने आई गाड़ी रख में बारह गाड़ी दाम है योग 150 है कुंभ का नो कुंभ का नहीं कुंभ तार को सर ओके ना मुझे तेल गाड़ी से नादू कुतु आई हम बर इनमें इन आज कमती है सो आई गाड़ी माँ कमती माँ नून आप एक साथ जाते आई नून आखिर नहीं अलग उन्होंने ओ पामा तो आई जब अखिल का वो काते भी दूना ना जब कान में ओ दो दो आई यानी अलग उन दा तेल पामा तो आई अखिल का वो अल्दो थैंक यू ध्यान है अवेलेबल है तो भाई मैं ओल्ड मार्केट में आया हूँ सो मैं आपको दिखाऊंगा सब्जी का प्राइस कैसा कैसा है और यहाँ पे क्या सब्जी क्या क्या अवेलेबल है मैं आपको सबको बताऊँगा यहाँ पे चलेगा देखते हैं सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जी अभी आ चुका है और जो जो सामान आपको चाहिए वो सब यहाँ पे मिल जाएगा यह है ओल्ड मार्केट देख सकते हैं सब्जी का आपका सब्जी का दाम कैसा है जैसे टमाटर कितना है भैया किलो टमाटर 60 किलो 60 अच्छा और प्याज का प्याज अच्छा बता तो सकता हूँ प्राइस अभी तो हम लेकर तो आ ही नहीं रहा है मेरा अच्छा ये सामान कब आया आज सुबह में वो पाँच दिन फंसा हुआ था गाड़ी वो वाला अच्छा अच्छा जो पास ही घर से आ रहा था हाँ 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 उसमें मैंने रुका था उसमें भी हम लोग को पूरा आधा सौ रुपया सर यहाँ तो उसमें आपका नुकसान नुकसान है नुकसान को भी सब सौ रुपया अच्छा तो आप इनका बता सकते हैं कि दाम कौन कौन सा कितना कितना का है अभी सबको तो नुकसान दाम है कोई भी दाम नहीं है ताज़ा होने से दाम होना अच्छा अच्छा होने से तो दाम होना था अभी तो पूरा हो गया अब जो भी दाम में कस्टमर मांगेगा उसी को दाम देगा अच्छा तो गाड़ी लेट का लेट आने का भाई जैसे आपका लॉस हुआ है ना लॉस भी हुआ है पाँच दिन रह गया पाँच दिन तो रहा है और वैसे भी बारिश भी है घाट में उधर में मुड़ियांग घाट में गया उधर तीन दिन बैठा इधर खुला है इधर होकर आया अच्छा तो सर काल परसों से इधर से माल आएगा तब जाके सब सब्जी आएगा तरह की अच्छा हाँ ये बारिश का वजह से रास्ता ब्लॉक होने का वजह से ना सब्जी भी आया नहीं है सर वही टमाटर मटर आया है अच्छा 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 एक किलो 150 अच्छा ओके और ये शिमला मिर्च 140 ना ठीक है ओल्ड मार्केट एंड न्यू मार्केट जहाँ पे सब्जी अभी आ चुका है एंड आज मंडे है तो बन रहा है आज कल खुल जाएगा तो देखते हैं हेलो एवरीवन तो मैं अभी आया हूँ पागुविन में और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ का नदी अभी इन बारिशों में कितनी भर चुका है और कितना खतरा हो सकता है इन यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए सो लेट्स चेक इट आउट ये आप देख सकते हैं पानी कितनी भर चुका है इन बारिशों के वजह से और अभी बारिशों का सीज़न है जिनका वजह से भी नदी भर चुका है अगर आप देखिए कि पहाड़ों पे देखते हैं यहाँ पे जितनी भी कचरा थी जिन्होंने हम इंसान वालों ने नदियों पे फेंका था वो सब अभी ज़मीन पे आ चुका है और अभी पानी का स्तर देख सकते हैं कितनी भर चुका है और पहले तो यहाँ तक पानी ही नहीं था दूर दूर तक मगर अब हर जगह पानी पानी हो चुका है देख सकते हैं ये कचरा ये जब तबाही देख सकते हैं ये सब इस नदी ने किया है और अभी नदी का लेवल जो है बहुत ही घट चुका है पहले तो ये जो आप देख रहे हैं ना जो रेत पहले वहाँ तक था पानी तो अभी लकीली यहाँ पे पानी
कम है। सो आगे आगे देखते हैं। सो हम आए हैं अभी पॉगमिन के मार्केट पे और यहाँ के मायना करेंगे कि क्या यहाँ पे चिकन अवेलेबल है या नहीं। चिकन आउट, तो आप देख सकते हैं अभी चिकन लुक भी आ चुका है और हमारे मार्केट में अभी चिकन्स भी पाया जा रहे हैं यहाँ पे, मच्छी कटिंग्स है ना। मैं अंदर तो नहीं जाना चाहूँगा बिकॉज बहुत ही गंदा है, गंदा भी नहीं बट गंद मारता है। तो ये है नया मार्केट, चिकन सॉक्स, चिकन अवेलेबल है एंड देन ओके। सो चिकन अभी अवेलेबल है, अभी मैं नीचे मार्केट की तेल भी पाया हूँ। सो यहाँ का जो तेल स्टेशन है यहाँ पे मैं देखूँगा कि यहाँ पे क्या तेल अभी आया है या नहीं और क्या इनकी प्राइस रहेगी, तो हम जानेंगे। चलिए पेट्रोल पंप आप देख सकते हैं, फ्यूल गाड़ी भी अभी आ चुका है, नील है अभी और जो गाड़ी ये ख़राब बोला है जबकि फेल हो रहा है अभी। और इनका ये कहना है कि गाड़ी जो है कल शाम तक आ जाएगा, तो कल शाम तक आपको नीचे मार्केट में तेल मिल जाएगा। यस ओके, दिस इज़ द पेट्रोल पंप वॉल मार्केट। तो कल तक, कल शाम तक मान के चलिए कल शाम तक जो है तेल आ जाएगा। कल से लाइट नहीं है आलों में, कल सुबह से अभी तक फ़िलहाल लाइट नहीं है और अभी कुछ भी नहीं कहा सकता है, कुछ भी नहीं कह सकता है कि लाइट कब आएगा और कब नहीं आएगा। तो फाइनली मेरा जो काम था वो ख़त्म हो चुका है, जो शूट करना था मैंने कर लिया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं और भी आगे ऐसे वीडियो बनाता रहूँ।